पूर्व यूरोप में रशिया और यूक्रेन वच्चे तनाव हवे चरमसीमाए पहुंची गयो छे। बन्ने देशों एक बीजा पर हुमला आरोप लगवा छे। यूक्रेननु कहेवुं छे के गुरुवारे रशियाना समर्थन अलगतावादीओए तेना डोनबास क्षेत्रना एक गाम में एक शाळा पर गोळीबार कर्यो हतो। आ हुमला में 3 लोको घायल थया होवानो अहेवाल छे। ज्यारे रशियन मीडियाए अलगतावादीओना नेता लियोनिद पासेदनिकना हवालेथी युक्रेनियन सशस्त्र दळो पर लुहांसक प्रदेशमां नागरिको पर हुमलानो आरोप मूक्यो हतो, तो अमेरिकाना अधिकारीओ पहेलाथी ज आशंका व्यक्त करी चूक्या छे के रशिया खोटा फ्लेग ऑपरेशनना बहाने युक्रेन पर हुमलो करी शके छे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पण बन्ने देशों वच्चे युद्धनी आशंका व्यक्त करी छे। रशिया युक्रेन बॉर्डर पर थी पोताना सैनिकों हटावानी वात करी छे, परंतु अमेरिका ने हजू पण तेना पर विश्वास नथी। बुधवारे व्हाइट हाउस ना संबोधन में बाइडने कह्युं हतुं के अमे अत्यारे रशियाना वचनों अने दावा पर विश्वास करी शकता नथी। एटलांटिक महासागर में ओजोरेस आइलैंड नजीक बुधवार बपोरे पनामा फ्लेग कार्गो शिप फेसिलिटी एस में भीषण आग लागी छे। जर्मनी थी अमेरिका जई रहेला आ जहाज में हजारों लग्जरियस कार छे, जारे 22 क्रू सभ्यों ने पोर्टुगल नौकादले और एयरफोर्स की मदद की बाहर काढ़ी लेवामां आव्या छे। तमाम लोग सलामत छे। नेवीनुं कहेवुं छे के जहाज पर नजर राखवामां आवी रही छे। आग हजू पण चालू छे। जहाज ने नजीकना बंदर पर लई जवानी योजना बनी रही छे। पोर्टुगलना ओजोरेस टापू पर एक बंदर नजीक में है, परंतु त्या जहाज लई जवानु शक्य नहीं, कारण के जहाज 3 फूटबॉल मैदान जेटलू मोटू है। फॉक्सवेगना यूएस ऑपरेशन्स एक ईमेल थी जाणवा मळ्युं छे के जहाज में 3,965 फॉक्सवेगनी एजी कारो है, जेमां पोर्श ऑडी और लंबरघीनी समावेश थाय छे। कैनेडा में कोविड वैक्सीन ने अनिवार्य बनावा और लॉकडाउन के विरुद्ध मोटा पाये चाली रहेला देखावों ने जोता वडाप्रधान जस्टिन ट्रूडोए देश में इमरजेंसी जाहिर करी छे। आ दरमियान अमेरिका एक अग्रणी हिंदू संगठने वडाप्रधान ट्रूडो और भारतीय मूल नेता जगमीत सिंह ने आग्रह कर्यो छे कि हिंदुओं प्राचीन और शुभ प्रतीक स्वस्तिक ने नजीओ प्रतीक हकेनवेल स्वस्तिक जेवा देखाता प्रतीकनी साथे ज भेळवे। तो बीजी तरफ विश्वना सौथी अमीर एलन मस्के कैनेडाना वडाप्रधान ट्रूडोनी सरखामणी हिटलर साथे करी छे, जो के तेमणे पछीथी आ अंगे ट्वीटने डिलीट करी दीधुं हतुं। तो कैनेडामां हजारो ट्रक ड्राइवर रोड पर देखावो करी रह्या छे। कैनेडानी राजधानी ओटावामां देखावकारोए सामने स्थिति सर्जी छे। आ देखावोमां कथित रीते स्वस्तिक अने कॉन्फेडरेट झंडा गोरा लोकोना वर्चस्वनु प्रतीक विरोधनु प्रतीक लहेरावामां आव्युं छे। आ अंगे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीना नेता जगमीत सिंहे 2 फेब्रुआरीए करेला एक ट्वीटमां लख्युं हतुं के स्वस्तिक अने कॉन्फेडरेट झंडानुं कैनेडामां कोई स्थान नथी। आपनी जवाबदारी छे कि आपने तमाम समुदायोने सुरक्षित राखीए। आ कैनेडामां नफरत फैलावनारा प्रतीकों पर प्रतिबंध लगावानो समय छे। आपने बधाए ए वातनुं ध्यान राखवानुं छे कि समाजमां नफरत फैलावानुं कोई ज स्थान न होय। सऊदी अरेबिया में महिलाओं हवे दरेक क्षेत्र में आगळ वधी रही छे। परिवर्तन अंदाज ए बाबत पर थी लगावी शकाय छे के ताजेतर में मक्का थी मदीना वच्चे बुलेट ट्रेन की महिला ड्राइवर ने 30 जग्या माटे अरजीओ मंगावाई थी। 28,000 महिलाओं फॉर्म भर्यु छे। बुलेट ट्रेन संचालन करती कंपनी रेनफे माटे मोटी समस्या उभी थई छे। कंपनीए शैक्षणिक लायकात और अंग्रेजी ज्ञान मापदंड बनाव्यो। आम कराता 14,000 फॉर्म कैंसल थया, तो कंपनी मार्चना अंत सुधी स्क्रूटिनी चालू राखशे। पसंद थनारी 30 महिला ड्राइवर ने 1 वर्षनी ट्रेनिंग बाद बुलेट ट्रेन चलावा निमुक करवामां आवशे। तो रेनफे कंपनी कहेवुं छे कि अत्यार सुधी बुलेट ट्रेन संचालन पुरुष ड्राइवर द्वारा ज करावती हती, तो थोड़ा समय अगाउ कंपनी बुलेट ट्रेन संचालन महिलाओं ने पण सोंपवानो निर्णय लीधो छे। नोंधनीय छे कि 2018 सुधी साउदी में महिलाओं ने कार ड्राइविंग की पण मंजूरी नहोती, तो 5 वर्ष में देशना वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बमणी थई गई छे। हाल कुल वर्कफोर्स में 33% महिलाओं छे। युक्रेन मुद्दे यूरोप में बेचैनी वधी रही छे। यूरोप और रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन आगामी चालनी राह जोवाई रही छे। पहला अमेरिकी गुप्तचर एजेंसीओ 16 फेब्रुआरी रशियाना युक्रेन पर हुमलानो दावो कर्यो हतो। युक्रेन ने गत लगभग 2 महीनाथी 1.5 लाखथी वधु रशियन सैनिकों घेरी राख्यू छे। युक्रेन ने नाटो सैन्यनुं समर्थन प्राप्त छे, तेम छतां यूरोपना अनेक देशोए तेना नागरिकोने युक्रेन थी वहेली तके निकळी जवा अने त्या हाल न जवानी सलाह आपी छे। युरोपियन युनियने युक्रेन स्थित दूतावासना बिनजरूरी कर्मचारीओने पाछा देश फरी जवा कह्युं छे। तेमज युनियनना प्रवक्ता पीटर स्टारोए कह्युं छे कि अमे दूतावास खाली नथी करी रह्या, बस थोड़ा समय माटे बिनजरूरी कर्मचारीओने देश बहारथी टेलिवर्क करवानी तक आपी रह्या छे। इटालीना विदेश मंत्रालय अस्थायी रीते तेना नागरिकोने युक्रेन छोड़वा कह्युं छे। ते उपरांत डोनेस्टेक लुहांस अने क्रीमिया क्षेत्रनी यात्रा न करवानी सलाह आपवामां आवी छे। तुर्कीए जरूरी ना होय तो नागरिकोने युक्रेन न जवानी सलाह आपी छे। उत्तरी अमेरिका में एक अनोखी घटना सामे आवी छे, जेनो वीडियो वायरल थयो छे। मेक्सिको ना कुआटेमुक शहर में
पक्षीओनु एक झुंड उड़ता उड़ता एमांथी अचानक जमीन पर पड़ता झुंडमां सैकड़ों पीड़ा माथावाड़ा ब्लेक बर्ड्स सामेल छे। एमां अनेक पंखीओना मौत निपजा छे। घटना 7 फेब्रुआरी होवानुं जाणवा मळी रह्युं छे। आ घटनानो वीडियो सोशियल मीडियामां वायरल थयो छे। ट्विटर पर 14 लाख थी वधु वखत आ वीडियो जोवामां आव्यो छे। अनेक लोकोए आ घटनाने लईने पॉल्यूशन, 5G टेक्नोलॉजी अने वीजळीना तारने जवाबदार गणाव्या छे। बर्ड एक्सपर्ट्सना जणाव्યા મુજબ આ ઘટનાનું કારણ એવું પણ હોઈ શકે છે કે પેરેગ્રીન કે જ્યાં બાજ જેવા કોઈ મોટા પક્ષીએ શિકાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય, જેના કારણે આટલી મોટી સંખ્યામાં પક્ષીઓ જમીન પર પડીને મરી ગયા હોય। અમેરિકામાં 5G હોમ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ ઓક્ટોબર 2018થી શરૂ થઈ ગઈ છે। આ હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ ટેકનિક સૌથી પહેલા એપ્રિલ 2019માં સાઉથ કોરિયામાં લોન્ચ કરાઈ હતી। બ્રિટનમાં જીવલેણ માણવામાં આવતા લાસા ફીવરના 3 કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 1 દર્દીનું મોત થયું છે। બ્રિટિશ અધિકારીઓએ આ બીમારી મહામારીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે એવી આશંકા વ્યક્ત કરી હતી। બ્રિટનમાં 1980 પછી આ બીમારીના 8 કેસ નોંધાયા હતા। છેલ્લે 2009માં 2 કેસ સામે આવ્યા હતા। તો અમેરિકાના સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલના જણાવ્યા પ્રમાણે આ તાવ પ્રાણીઓમાંથી ઉદ્ભવેલો છે તથા તે વાયરલ બીમારી છે। આફ્રિકાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આ બીમારીની શરૂઆત થઈ હતી। લાસા ફીવરમાં અત્યંત વધુ તાવ આવે છે, તેનાથી રક્તવાહિનીઓની પાતળી દિવાલને નુકસાન પહોંચે છે, જેનાથી હેમરેજની શક્યતા વધી જાય છે। આ ફીવરની અસર 2 થી 22 દિવસ સુધી રહે છે। આ બીમારીની હજુ સુધી કોઈ વેક્સિન નથી। વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના જણાવ્યા પ્રમાણે આ બીમારીનો મૃત્યુદર 1% છે। મોટાભાગના લોકો સાજા થઈ જાય છે। બ્રિટનના શાહી પરિવારની મુશ્કેલીઓ ઓછું થવાનું નામ નથી લેતી। પ્રિન્સ એડવર્ડ પર લાગેલા જાતીય શોષણના આરોપનો મામલો હજુ પૂરો ઉકેલાયો ન હતો કે મોટા પ્રિન્સ એટલે કે પ્રિન્સ ચાર્લ્સ પણ વિવાદોમાં ફસાયા છે। તેમની ચેરિટી સંસ્થા પર આરોપ છે કે તેઓ પૈસા લઈને માન સન્માન મેળવવાના કૌભાંડમાં સામેલ છે। આ મામલો નવો નથી, પરંતુ ચર્ચામાં આવ્યો છે કારણ કે હવે પોલીસ આરોપીઓની તપાસ કરશે। ગયા વર્ષે આરોપોના કારણે પ્રિન્સની સંસ્થાને એક વરિષ્ઠ અધિકારી રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું। ગયા વર્ષે આ મુદ્દો ચર્ચામાં આવ્યો ત્યારે 2 બ્રિટિશ અખબારો ધ સન્ડે ટાઈમ અને ધ ડેલી મેલ એ ખુલાસો કર્યો છે કે પ્રિન્સ ચાર્લ્સની ચર્ચા અન્ય દેશોના ધનિકો પાસેથી નાઇટહુડ અને નાગરિકતા મેળવવા માટે પૈસા લાવવામાં સામેલ છે। પુરાવા તરીકે સાઉદી અરેબિયાના નાગરિકના દસ્તાવેજોના રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા।